हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर विलेज सिटी। तो वैसे आप लोगों के थंबनेल के थ्रू पता लग ही गया होगा कि आज हम जहाँ कहाँ पे रहे हैं। बड़े दिनों से ना मेरे कुछ दोस्त आने वाले थे गांव से, तो बोल रहे थे भाई मुझे अमृतसर घूमना है, गोल्डन टेम्पल घूमना है। तो आज वो टाइम निकाल के आया हुआ है। तो आज सुबह जल्दी जल्दी के चक्कर में टाइम नहीं मिला ब्लॉग बनाने के लिए, तो एक्चुअली हम लोग रेडी वेडी होकर आ गए हैं, बस में बैठ गए। ठीक है, तो चलिए आपको उससे मिलवाते हैं। ये मनीष कुमार, हेलो बोल दो भाई। तो यही दोस्त है, ये वैसे तो उत्तराखंड में रहता है और बड़े दिनों से टाइम नहीं हो पा रहा था कि भाई घूमने आना है। एक्चुअली हम लोग जाने वाले थे केदारनाथ। तो बात कुछ ऐसे हुई ना कि केदारनाथ तो जाने वाले थे, लेकिन वहाँ पर उनका ना केदारनाथ मंदिर खुला ही नहीं इस बार। तो ये डिसाइड किया कि भाई केदारनाथ तो गए नहीं कि अमृतसर ही चल पड़ते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वहीं पर चल पड़ते हैं। तो आज आया है, तो आज हम लोगों का ट्रिप है, न्यू ब्लॉग के साथ आए हैं और आज हम जा रहे हैं अमृतसर। तो आप वीडियो का लास्ट तक बने रहिए, तो चलिए चलते हैं। भाई बस में बैठे तो वीडियो तो थोड़ी हिल रही होगी बहुत ही, तो क्या कर सकते हैं। बस तो एयरप्लेन है नहीं, इसको हम स्मूथली चला के ले जाएंगे भाई। तो जैसे बस वाला लेके जाएगा वैसे ही जाना पड़ेगा हम लोगों को। व्यू देखो यहाँ पंजाब का कितना अच्छा है, मॉर्निंग व्यू तो और भी अच्छा होता है, पूरा ही हरा भरा। अभी हम पंजाब के जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा नदी है सतलुज नदी, उसके पुल पे है अभी फिलहाल। देख सकते हो आप दूर दूर तक। सुबह का मौसम है भाई, तो सुबह तो पता ही होगा आपको कि सुबह के टाइम में थोड़ा कैमरा क्वालिटी लो हो जाता है फ़ोन का। तो फिलहाल तो क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। फाइनली अभी हम एंटर कर लिए फ्लोर में एंटर किया जस्ट। ये है अमृतसर का गोल्डन गेट एंट्री पॉइंट। भैया जी फाइनली हम अमृतसर पहुंच गए हैं, तो अभी हम बस से नीचे उतर रहे हैं, चलते हैं। फाइनली उतर गए बस से। कहाँ है, उधर है, चलना है, चलना चलते हैं। भाई धूप ही आज बहुत है ना, सब लोग तो है यहीं पे। अभी हम जा रहे हैं गोल्डन टेंपल की तरफ, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, चलते हैं फिर वहाँ पे।
फाइनली हम अभी ऑटो में बैठ गए हैं भाई, जा रहे हैं सभी लोग यहीं पे। ओ माओ माओ मेरा माओ, ओ माय गॉड, इधर भी ऐसा ही है। ये हो गया अमृतसर, फाइनली अभी हम अंदर को आ गए हैं, एंट्री कर गए हैं मंदिर के अंदर में, और यहाँ से लगभग गोल्डन टेम्पल थोड़े ही दूर पे है, तो आप लोग देख सकते हैं इधर का व्यू जी बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल नज़ारे ही नज़ारे है, पूरा ही परफेक्ट है। चलो आगे चलते हैं, धूप भी आज बहुत ही है भाई। चलिए चलते हैं, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, और चलिए आपको दिखाते हैं पूरा ही। ये है इसके अंदर का मेन फ्रंट, और आप इधर का व्यूज देख सकते हो, बिल्कुल ही परफेक्ट है। ओहो जन्नत ही है। चलो इधर से घूम के चलते हैं, ठीक है। ये अपना दोस्त लोग है और घूम रहे हैं इधर आके अमृतसर में, और आप देख ही सकते हो यहाँ का बैकग्राउंड कितना अच्छा है, बिल्कुल परफेक्ट है। और चलो हम लोग अंदर चलते हैं मंदिर की तरफ, इधर है मंदिर इधर है, ठीक है। इधर हमने नहीं जाना, इधर जाना है। पूरा ही नज़ारा नज़ारा अलग ही है ना, इसका अलग ही दुनिया है। ये है अंदर की दुनिया भाई, यहाँ पे आने के बाद क्या सुकून मिलता है, ओफ कुछ कह नहीं सकते हैं, इतना यहाँ पे शांति मिलती है। ये देखिए आप, वो है सामने वाला मंदिर का मेन गेट, उससे हम एंट्री करेंगे। तो भाई हम आ गए हैं हरमंदिर साहिब, और अभी यहाँ पे जब भी आते हैं ना तो सर पे कुछ बांधना ही पड़ता है, जब तक आप सर पे कुछ बांधो नहीं गए तब तक आपको अंदर नहीं जाने देगा। तो हमारे कुछ भाई लोग थे तो उन लोगों के पास रुमाल नहीं था, तो वो गए अपना रुमाल लेने, फिर वो लेके आते हैं जब तक मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो लेके आते हैं तो फिर हम जाएंगे अंदर में, माथा उठा टेकेंगे और आप लोगों को भी घुमा देंगे, बताएंगे आप लोगों को भी कि जब भी अभी आप आओ ना यहाँ हरमंदिर साहिब, तो भाई बीच में आप ज़रूरी जाना गोल्डन टेम्पल के अंदर, और वहाँ पर माथा टेक के आना, और जो भी कुछ होगा आपके, जैसे कि जो भी कुछ मनोकामना वगैरह होगी, तो आप जैसे इसके अगल बगल में नदी जैसा है क्या, तो उसमें नहा लो, सारे पाप धुल जाते हैं सभी कहते हैं। और आपको जो नदी है ना उसके बीच में भाई मछली भी है, बहुत सारी मछली है, रंग बिरंग का मछली है, गोल्डन है, मंदिर का नाम ही वैसा गोल्डन टेम्पल, और इसका मेन नाम है हरमंदिर साहिब, और सभी गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, बिकॉज़ पूरा ही गोल्डन ही है ये, और गोल्डन से नहीं बना हुआ है।
तो चलिए चलते हैं। आ जाओ सभी आ जाओ। तो भाई आप देख सकते हो सामने की व्यूज, ऑसम। लेकिन नज़ारा देख लो, अंदर की तरफ जाने नहीं देते, वैसे साइड में हम रह सकते हैं। और ये आप हो गया आपका गोल्डन टेंपल, सुकून है अपना। पर ये अंदर के पूरा ही व्यूज, तो सब जगह घूम ही लिए अगर घर में। और अभी भूख बहुत तेज लगी हुई थी तो भाई लंगर खाने जा रहे हैं। तो ये देखो हमारे हाथों में प्लेट वगैरह है, अभी जा रहे हैं। भूख भी बहुत तेज लगी हुई है, चलिए चलते हैं। बाकी कहाँ गया, अभी लाइन में लगे हुए भाई। आज का तो यहाँ पर भी लाइन लगना पड़ता है क्या लंगर खाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर भी। आ जाते सभी साइड में, अभी लाइन में बैठना पड़ेगा, बहुत ही भीड़ है। यहाँ पे बहुत सारे गेट हैं क्या लंगर खाने के, चलो आगे चलते हैं। ये यहाँ से गेट एंट्री है क्या, यहाँ से हम लोगों को जाना पड़ेगा अंदर। बाकी मिलते हैं अंदर जाके। रोटी कढ़ी दाल लंगर में यही है बस, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है भाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। कोई नाम नहीं है इसका, कोई जवाब ही नहीं है। लंगर तो खा लिए, पेट पूजा हो गया, अब बस आपको थोड़ा बहुत और भी अंदर में जाकर दिखा देते हैं। और उसके बाद थोड़ा इधर वैसे जलियावाला बाग भी है, तो जलियावाला बाग में होता है ना कि अभी हम आए थे उधर से तो बंद था, तो ये खुला नहीं हुआ, तो इस करके आपको दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन आपको गोल्डन टेंपल तो घुमा ही दिए, बाकी अब बने रहिए, देखिए सब कुछ। अंदर का नज़ारा तो भाई अलग ही है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। भाई आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।